जय श्री कृष्णा। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम इस वर्ष से आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। आप जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो सब आपको मिल जाए बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार हमसे जुड़ने के लिए और हमें इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए, इतने पॉजिटिव कमेंट करने के लिए। आपके इतने पॉजिटिव कमेंट देख करके हम बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, हम बहुत मोटिवेट होते हैं आप सबके लिए फिर से न्यू वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच डियर। आप कमेंट में अपना नाम भी लिखिए और आप कहाँ से हैं ये भी लिखिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपना नाम लिखेंगे। थैंक यू सो मच इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए और हमें इतना पॉजिटिव फील कराने के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी करेंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो आपके बारे में कैसा फील करते हैं। तो डियर, हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जिस ऑप्शन में आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर है उसे आप चूज़ कर लीजिए, फिर आप अपनी रेटिंग देखिए। जय श्री कृष्णा, ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपको ये जानना है। आपके पर्सन आपके बारे में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसा तो कोई उनकी ज़िंदगी में है ही नहीं। वो हर टाइम आपके लिए जो भी फील करते हैं तो दिल से सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप कितनी प्योर हो, आप कितने पॉजिटिव हो। आपसे बात करके, आपको देख करके, आपसे मिल करके कितना पॉजिटिव फील होता है। ऐसे लगता है कि चारों तरफ एक ऐसा घेरा बन गया है पॉजिटिविटी का कि बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सुकून महसूस होता है। डियर, आपके पर्सन को आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है। वो आपके बारे में ऐसा भी सोचते हैं कि आप गॉड का दिया हुआ गॉड गिफ्ट हो, आप उनकी ज़िंदगी में एंजल्स हो और आपका रिश्ता इनसे बहुत प्योर है। आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे कर्म होंगे जिसकी वजह से आपका उनसे रिश्ता हुआ, जिससे आप उनसे जुड़े, आपको वो मिले। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट बहुत करते हैं। डियर, वो आपके बारे में सोचते ही रहते हैं। आप उनसे मिलते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो डियर आपसे बात करने के बाद फिर भी वो आपके बारे में सोचते हैं, आपकी बातों को सोचते हैं कि आप कितने प्यारे हो, कितने अच्छे से बात करते हो, कितने अच्छे से समझाते हो। कोई भी गलती होती है तो उसके बारे में आप समझाते हो, क्या सही है क्या गलत है, कितने प्यार से समझाते हो। डियर, आपका और इनका इस जन्म का रिश्ता नहीं है, इससे पहले भी आपका और इनका रिश्ता था। आप सोलमेट भी हो सकते हैं और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता ईश्वर ने खुद बनाया है। ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव फील करते हैं। ये आपके क्रश भी हो सकते हैं। डियर, इन्होंने हो सकता है कि अभी आपसे अपने दिल की बात ना बोली हो, लेकिन फिर भी ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत पॉजिटिव महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उन्हें ज़िंदगी में मिल जाओ हमेशा के लिए, उनकी लाइफ में आ जाओ, तो उनकी लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी लाइफ में आ गए तो उनको दुनिया की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। वो सारी खुशियाँ आपके साथ जीना चाहते हैं, वो अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ जीना चाहते हैं। वो आपके साथ फ्यूचर प्लानिंग भी करते हैं। वो सोचते हैं कि आपसे शादी हो जाएगी, आपके साथ रहेंगे, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी, कितने खूबसूरत वो पल होंगे जब हम दोनों एक साथ होंगे, किसी का कोई डर नहीं होगा।
तो डियर आपके पर्सन आपके लिए बहुत पॉजिटिव फील करते हैं और आप भी उनके साथ जीना चाहते हैं, आप भी उनके साथ जीने के सपने देखते हैं, आप भी ये चाहते हैं कि आप दोनों फ्यूचर में एक हो जाएं। कुछ लोग तो अपने पार्टनर से शादी के बारे में बात भी कर रहे हैं, शादी की प्लानिंग भी कर रहे हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे शादी होगी, कैसे हम लोग साथ में खुश रहेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या करेंगे। तो डियर आपके पर्सन इस बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। अगर वो अकेले बैठते हैं 10 मिनट के लिए भी तो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं कि जब आपकी शादी हो जाएगी आप उनकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए आ जाओगे तो वो क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, आपकी छोटी छोटी खुशियों का खास ख्याल रखेंगे। वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, आपको सारी खुशियाँ देने की कोशिश करेंगे, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई तकलीफ़ ना आए। आपके पर्सन आपको सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में हमेशा खुश देखना चाहते हैं। कुछ लोग अपने शादी को लेकर टेंशन भी ले रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली मान नहीं रही है, तो वो इस बारे में सोचते हैं कि फैमिली को कैसे मनाएं, कैसे राजी करें अपनी शादी के लिए, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि अगर आपसे रिश्ता उनका जुड़े तो कोई भी इस रिश्ते से नाराज ना रहे। वो सबकी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, वो सबकी मर्ज़ी से आपके साथ जीना चाहते हैं। वो सोचते हैं जब आप दोनों एक हो, जब आप दोनों की शादी हो तो उसमें सभी लोग खुश होने चाहिए, कोई भी नाराज ना हो। तो कुछ लोगों की फैमिली मान नहीं रही, हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो या आपके पर्सन की फैमिली ना मान रही हो, तो वो इसी बारे में सोच रहे हैं कि कैसे मनाएं, कैसे फैमिली को राज़ी करें, फैमिली मान जाए। उनका ऐसा भी मानना है कि अगर हमारी शादी में हमारी फैमिली खुश होती है तो हमारी ज़िंदगी और अच्छी होगी, हमारी ज़िंदगी में और खुशियाँ होंगी, क्योंकि हमारी शादी से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो इसलिए थोड़ा सा टाइम भी लगा रहे हैं, जल्दी शादी नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी बात भी नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन बात ना कर रहे हो। तो डियर वो सबकी मर्ज़ी से शादी करना चाहते हैं, वो सबकी रजामंदी चाहते हैं अपने रिश्ते के लिए। और डियर आप भी बहुत मेडिटेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपकी शादी आपके पर्सन से हो जाए, आप दोनों फ्यूचर में एक हो जाएं, आप दोनों दूर नहीं होना चाहते, आप दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि आप दोनों दूर होकर के भी एक दूसरे के दिल की बात समझ जाते हैं। आपको ये महसूस हो जाता है कि आपके पर्सन अभी टेंशन में है, कि आपके पर्सन खुश हैं, आपको दूर से ही अपने पर्सन की फीलिंग्स समझ में आ जाती हैं, उनकी वाइब आपको मिल जाती है कि वो अभी क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, आप देख करके अपने पर्सन को समझ जाते हैं कि वो किस हाल में है। तो डियर कभी कभी आपके पर्सन आपको याद करके बहुत रोते हैं, उन्हें ऐसा कभी कभी लगता है कि ऐसा ना हो कि वो आपसे बिछड़ ना जाए, क्योंकि वो आपको किसी कीमत पे खोना नहीं चाहते, किसी कीमत पे वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आपके साथ बिताए हुए हर एक पल वो ऐसे जीते हैं कि जैसे वो इस टाइम उस पल में हैं, जो पल बीत गए हैं उन पलों में भी वो जीते हैं। जब वो अकेले होते हैं कुछ मिनट के लिए भी तो भी डियर सिर्फ और सिर्फ उनके दिल दिमाग में आपका ही ख्याल होता है। हो सकता है डियर कि आपको आपके पर्सन के सपने आते हों, या फिर आपको आपके पर्सन के कहीं पे नाम लिखा हुआ दिखता हो अचानक से, या किसी को देख करके आपको ऐसा लगता हो कि आपके पर्सन ऐसे ही हैं। आपको बटरफ्लाई बहुत दिख रही होंगी, या फिर आपको एंजल्स के नंबर बहुत दिख रहे होंगे, आपके साथ ऐसे कुछ साइन हो रहे होंगे जिससे आपको ये पता हो सकता है कि आपके पर्सन आपको हर टाइम याद करते हैं, आपके बारे में ही सोचते हैं। आपकी ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोगों की फैमिली इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही है, इसलिए आपकी लाइफ में थोड़ी सी टेंशन चल रही। तो डियर आपके लिए एंजल्स का ये मैसेज है कि आपका रिश्ता बहुत प्योर है, आप दिल से जुड़े हैं एक दूसरे से, आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका रिश्ता ऐसे नहीं टूटने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए,
आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए और अपने पर्सन को हील करिए लव वाइब्रेशन भेज के, आपके रिश्ते के लिए और आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और कुछ लोगों की फैमिली जो अभी नहीं मान रही है, आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए मान जाएगी बहुत जल्द। आपकी शादी होगी आपके पार्टनर से, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ होंगी। आप लोग जो अभी सपनों में जो सोच करके जो फील करके पल जी रहे हैं वो हकीकत में जिएंगे बहुत जल्द। आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए नहीं मान रही है तो डियर कुछ टाइम के बाद आपकी फैमिली आपके रिश्ते के लिए ज़रूर मान जाएगी। एंजल्स आपसे बोलना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। आपका रिश्ता बहुत प्योर है और प्योर रिश्ते के साथ पॉजिटिव रिश्ते में ईश्वर हमेशा साथ होते हैं और आपके साथ आपके स्पिरिट गाइडर आपके एंजल्स आपके साथ हैं और हमेशा आपके साथ रहते हैं। इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हैं। आप भी उनसे दूर होकर जीना नहीं चाहते और आपके पर्सन भी आपसे दूर नहीं होना चाहते। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। और डियर आप अपना बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत होइएगा। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो अभी आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं, वो अभी आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि आपकी यादें पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं, आपसे बात होती नहीं है, आपसे हो सकता है कि कुछ लोगों का भी नो कॉन्टेक्ट हो लेकिन आपकी यादें उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आप उनके दिल दिमाग से निकल ही नहीं रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे दूर होकर के वो जी नहीं सकते क्योंकि आपकी यादें उनके दिल से कभी निकलती नहीं हैं। वो हर टाइम आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों की ये हस्बैंड हो या फिर कुछ लोगों की ये वाइफ हो। तो डियर अगर अभी आप लोगों के बीच नो कॉन्टेक्ट है तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं या फिर वो आपकी वाइफ है या फिर आपके हस्बैंड है तो वो अभी आपकी यादों से बहुत घिरे हुए हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि आप तो दूर हो गए हैं, आपसे बात नहीं हो रही है लेकिन आपकी यादें पीछा नहीं छोड़ रही हैं। आपकी यादें हर टाइम हर वक्त हमारे आसपास होती हैं, हमारे दिल दिमाग में होती हैं। आपके साथ बिताए हुए जितने भी पल हैं उन्हें ऐसे याद आते हैं कि वो याद करके उन्हें रोने लगते हैं कि काश ये पल पूरी ज़िंदगी हमारे साथ होते, आप उनके साथ होते, आपसे नो कॉन्टेक्ट ना होता। आज वो आपकी अच्छाइयाँ और आपके प्यार को याद करके बहुत रो रहे हैं। आपकी यादों ने उनको इतना घेर रखा है कि वो इस वक्त बहुत सैड एनर्जी में है। वो आपको याद करके आपकी फ़ोटो देख करके बहुत रोते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि काश ऐसा दिन आ जाए कि आप उनके साथ हो जाएं, पहले की तरह आप उनके पास वापस आ जाएं। ये आपको याद करके बहुत ज़्यादा ही रो रहे, बहुत ज़्यादा ही सैड एनर्जी में है। इनकी तरफ से हम आपको एक शायरी सुनाते हैं, शायद आप उसे समझ पाएँ कि इनकी क्या एनर्जी होगी। तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है, तुम पर भी यकीन है और मौत पर भी एतबार है, देखते हैं पहले कौन मिलता है, हमें दोनों का इंतज़ार है। डियर इनका मानना है कि अगर आप नहीं तो कोई नहीं, ज़िंदगी में कोई नहीं आ सकता, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। कुछ लोगों के पर्सन पहले आपके प्यार को समझते नहीं थे, आपको छोड़कर चले गए होंगे तो डियर अब वो बहुत पछता रहे हैं, अब वो बहुत रो रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें एक बार फिर से एक मौका मिल जाए, वो
ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि काश आप एक बार उन्हें माफ़ कर दें, काश आप एक बार उनकी ज़िंदगी में फिर से वापस आ जाएं, क्योंकि उन्हें अब इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि उन्होंने कितनी कीमती चीज़ खो दी है। आपके पार्टनर की तरफ से एक शायरी हम आपको और सुनाते हैं। ना मैं अपने साथ हूँ, ना मैं तेरे पास हूँ, मैं कई दिनों से ही ऐसे ही उदास हूँ। तो डियर, जब से आप इनसे दूर हो गए हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे, आपका नो कांटेक्ट हो गया है, तब से इनकी ज़िंदगी से जैसे खुशियाँ ही चली गई हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ भी बचा नहीं है, ये बहुत उदास हो चुके हैं। इनको अब ऐसा फील होने लगा है कि आपके होने से ही इनकी ज़िंदगी में बहुत रंग थे, आपके दूर जाने से ही इनकी ज़िंदगी बेरंग हो गई है। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं, आपके बारे में सोचते हैं कि काश वो दिन वापस आ जाएं, काश एक बार आप इन्हें मौका दे दें अपनी गलती सुधारने का, जो भी गलत फहमी है आप दोनों के बीच उसे ख़त्म करने का, ये एक मौका चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। डियर, आपके पर्सन अभी बहुत सैड एनर्जी में है, आपको बहुत याद करते हैं, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आप भी बहुत सैड एनर्जी में हैं, आप भी अपने पर्सन को बहुत मिस करते हैं, आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, आप उनके वापस आने का इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी गलतियों की वजह से आप उनसे बात करने से डर भी रहे हैं कि ये इंसान आपको पहले भी नहीं समझता था और फिर से आपको नहीं समझेगा, फिर से आपके साथ धोखा करेगा, इसलिए आप इनसे दूर हैं, इनसे बात नहीं कर रहे, और कुछ लोग तो इंतज़ार भी कर रहे हैं अपने पर्सन के वापस आने का कि वो वापस आ जाएं। आप तो उनसे कभी नाराज़ ही नहीं थे, अगर आप नाराज़ थे तो आप तो उन्हें माफ़ कर चुके हैं, आप चाहते हैं कि वो वापस आएं। तो डियर, अगर आप अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्द वापस आने वाले हैं। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, आपसे बात नहीं कर रहे, तो डियर आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन उन्हें अनब्लॉक कर दें लेकिन कॉल ना करें, टेक्स्ट मैसेज करें, क्योंकि अभी वो डर भी रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से कि उन्होंने आपके साथ इतना गलत किया है, आपको पहले समझा नहीं, आपके प्यार को नहीं समझा है, आप पे काफ़ी सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, आपको बहुत बुरा भला बोला है, तो डियर इस वजह से वो बहुत शर्मिंदा है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे कैसे बात करेंगे, आपसे कैसे मिलेंगे, आपसे कैसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, आप उन्हें माफ़ भी करेंगे कि नहीं माफ़ करेंगे, आप उन्हें एक मौका देंगे या नहीं देंगे उन्हें अपनी गलती सुधारने का। इसलिए कुछ लोगों के पर्सन बहुत स्लो एनर्जी में है, वो आपके पास वापस तो आना चाहते हैं लेकिन अपनी गलतियों से बहुत डर रहे हैं, अपनी गलतियों की वजह से बहुत शर्मिंदा है कि आपसे कैसे बात करें, आपसे कैसे कहें कि वो आपके साथ फिर से जीना चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके अलावा उन्हें कोई नहीं समझता। पहले उन्हें ऐसा लगता था कि आप अगर उनके पास नहीं होगे तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपसे बात नहीं होगी तो भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें ऐसा फील होता था कि उनकी लाइफ में बहुत लोग हैं उन्हें चाहने वाले, उन्हें समझने वाले, उनसे प्यार करने वाले, लेकिन डियर जब से ये दूर हुए हैं तो इन्होंने सबके रंग देख लिए, सबके रूप देख लिए कि सब दिखावे वाला प्यार करते थे, कोई इनसे सच्चा प्यार नहीं करता था, सिर्फ़ और सिर्फ आप ही इनकी ज़िंदगी में ऐसे हैं जो इनसे बिना मतलब के प्यार करते हैं, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के इनको खुश देखना चाहते हैं। आप हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लाइफ में कभी कोई तकलीफ ना आए, तो डियर आप जैसा इनकी लाइफ में कोई नहीं है, इन्हें इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है, ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में जो हैं वैसा कोई नहीं है। अब आपको ये अपनी पूरी दुनिया मानने लगे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार आप इनकी ज़िंदगी में वापस आएं तो फिर ये कभी आपको वापस जाने नहीं देंगे, फिर वो आपको किसी कीमत पे खोएंगे नहीं, दोबारा अपनी गलतियों को दोहराएंगे नहीं, बस एक बार मौका मिल जाए। और कुछ लोग अपने पर्सन से बहुत टाइम से शादी करना चाहते थे लेकिन उनके पर्सन उनसे बहाने बना रहे थे, शादी के लिए हानि कर रहे थे, तो इस वजह से भी कुछ लोगों ने अपने पर्सन से बात करना बंद कर दिया है कि
उन्हें ऐसा लगने लगा कि हो सकता है ये ऐसे ही बहाने बना रहे हैं, लेकिन ये शादी कभी नहीं करेंगे। तो डियर, अब आपके पर्सन शादी करना चाहते हैं आपसे, आपको शादी के लिए बोलना चाहते कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब उनको बहुत अच्छे से एहसास हो चुका है कि इस दुनिया में उनसे एक आप ही हैं जो सच्चा प्यार करते हैं। आप जैसा उन्हें कोई प्यार नहीं करता है, आप जैसा उन्हें कोई नहीं समझता है, एक आप ही हैं जो उनके गुस्से तक को झेलते हैं, उनके हर एक बात को आप नज़रअंदाज कर देते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है ये मूड ठीक नहीं होगा इस वजह से ऐसा बोल दिया होगा, हो सकता है ये अभी कोई प्रॉब्लम हो इस वजह से ये ऐसा कर रहे हैं, लेकिन डियर आप जैसा समझने वाला उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आप उनके खुशी में खुश होते हैं, सिर्फ एक आप ही हैं जो उनके दुख तकलीफ में हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। डियर किसी भी बात से, किसी भी मजबूरी से या फिर किसी और की वजह से आपके पर्सन आपको छोड़ कर गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर किसी तीसरे पर्सन ने आप दोनों के बीच लड़ाइयाँ करवा दी, हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ भी हों और आपके बीच में किसी ने लड़ाई करवा दी हो, तो हो सकता है कि आपके पर्सन उस टाइम आपको समझते नहीं थे, तो डियर आप उनसे दूर हो गए, आप उनसे बात नहीं कर रहे। तो अब आपके पर्सन आपसे एक मौका चाहते हैं अपनी गलती सुधारने के लिए, आपसे वो बोलना चाहते हैं कि अब उन्हें एहसास हो चुका है, अब वो समझ चुके हैं आपके प्यार को आपको। तो डियर आपसे वो एक मौका चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अपने पर्सन को एक मौका देना चाहिए, तो डियर आप उन्हें एक मौका दे सकते हैं और आप खुद को मेडिटेशन करके हील कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप मेडिटेशन करिए, अगर आप अपने पर्सन के साथ रीयूनियन करना चाहते हैं तो आप उनको लव वाइब्रेशन भेजिए और मेडिटेशन करके उन्हें हील करिए, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, आपको दोबारा धोखा नहीं देंगे। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, उन्हें हील करते हैं और उन्हें लव वाइब्रेशन भेजते हैं। कुछ लोगों ने हमसे बोला है कि लव वाइब्रेशन हमें भेजना नहीं आता। डियर हमने आपके लिए लव वाइब्रेशन पे वीडियो बना रखा है और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लव वाइब्रेशन का लिंक भी दे रखा है। डियर आपके पर्सन अब आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, आपको याद करके रोते भी हैं, बहुत सैड एनर्जी में। आपके पर्सन बहुत जल्द आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा ऐसे ही पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। आपको जो चाहिए आप मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। आपसे हमारी रीडिंग कितनी मैच हुई है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।